हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीए एजुकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से आईटीए वालों के लिए अगस्त महीने में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, जिसमें गाइस यहां पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन एवं मशीनिस्ट ट्रेड वालों को फॉर्म भरने का मौका मिला था। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को इसके एग्जाम डेट के बारे में बताया था, जो आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी 26 से 28 दिसंबर तक। फाइनली इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सभी मेरे वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिए www.itieducation.com, देन आप सभी एडमिट कार्ड के सेक्शन में चले जाइएगा, वहां से आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे गाइज। और इसका एग्जाम पैटर्न भी रिलीज कर दिया गया है, कहाँ कहाँ से टेक्निकल से कितना क्वेश्चन पूछेगा, नॉन टेक से कितना क्वेश्चन पूछेगा, मैं अभी सभी आप लोग को डिटेल बताऊंगा गाइज। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस आप सभी को एग्जाम नोटिस तो मैंने दिखा ही चुका हूं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया था कि आप सभी का जो एग्जाम है वो 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक होने वाला है। पार्टिकुलर डेट नहीं बताया है, वहां पे अलग अलग पोस्ट भी था। आप सभी अपना एडमिट कार्ड में आप लोग का मेंशन होगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं एग्जाम जो रिलीज किया गया है एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं वो पीडीएफ आप लोग को दिखा देता हूं। तो गाइज ये ऑफिशियल नोटिस जो रिलीज़ किया गया है सेल की तरफ से, जो आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम है उसके बारे में ये बताया गया है, कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आएगा, टेक्निकल का कितना आएगा, नॉन टेक्निकल आएगा, इस नोटिस में बताया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्टों का एग्जाम होना है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आई टी वालों की बात करूँगा। तो आई टी वालों के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन एवं मशीनिस्ट का एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, सभी जो पैटर्न बताया गया है सभी के लिए सेम रहेगा, जैसे कि और भी अदर पोस्ट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए है, या माइनिंग फॉरमैन का हो गया, या और भी सारे पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आईटी वालों का भी इसमें मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप सभी का भी यही पैटर्न आप लोग का रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे आप लोग का नेम ऑफ द टेस्ट है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पे आप लोग किस सब्जेक्ट में आएगा, किस लैंग्वेज में आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया, और ये ड्यूरेशन हो गया। तो आप लोग का जो ट्रेड से फॉर्म फिल कीजिएगा, जिस ट्रेड से आप लोग है उस ट्रेड का क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क। जैसे इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई किए होंगे तो इलेक्ट्रीशियन से पूछेगा, फिटर से है तो फिटर का रहेगा, मशीनिस्ट रहेगा तो मशीनिस्ट से क्वेश्चन रहेगा। तो डेट में सब लोग का ट्रेड का जो 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, डेट मीन्स हम लोग जीए जिसको बोलते हैं, और जो जनरल इंग्लिश होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, करेंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, वर्बल या नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। यानी टोटल आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा गाइज। ड्यूरेशन आप लोग को मिलेगा 120 मिनट मिलेगा, डेट मीन्स आप लोग को 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा गाइज, ठीक है। तो ये आप लोग पे हो गया, ये आप लोग का हो गया जो पोर्शन बता दिया गया कहाँ कहाँ से पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे बोला गया है देर विल बी नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क बाई यू, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, डेट मीन्स यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आप लोग का नहीं होगा। ये लाइन आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि एज पर दिस स्टेटमेंट कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छी बात है। और आप सभी के लिए ये अच्छा अपडेट है कि मतलब कि टेक्निकल इन्होंने अच्छा खासा 50% रखा है, और बहुत सारे विभागों में भी देखा गया है, अगर टेक्निकल की बात करूँ तो लगभग 70 कहीं रहता है, कहीं पे 75% रहता है, कहीं पे 65 हो 60 हो, लेकिन ठीक ठाक है, 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से अटैम कर पाइएगा। बात बाकी यही है कि बता दिया गया एक सैम्पल सा कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग अभी ये सभी नोटिस मैं अपने वेबसाइट पर भी दे दिया हूँ, डायरेक्ट आप लोग इस नोटिस को भी डाउनलोड कर पाएंगे। बात बाकी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप लोग जैसे कि आप लोग को लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट से, आप लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि ये आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो वहां पे आप लोग रोल नंबर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड करके लॉग इन करके आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी प्रीवियस जो वीडियो मैंने बताया था उसमें एग्जाम डेट के बारे में बताया दिया था, तो मैं वो भी अभी थोड़ा सा नोटिस शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे कहीं नहीं देखे होंगे। तो गाइस लास्ट वीडियो मैंने यही नोटिस आप लोग के साथ में शेयर किया था, बहुत सारे कैंडिडेट ये वीडियो देखे भी होंगे, लेकिन मैंने फिर से ये शेयर कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये नोटिस जो आया था वो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए था,
तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर पोस्ट का नहीं बताया था कि किस पोस्ट का किस डेट में एग्जाम है, लेकिन ये बोला था कि 26 से लेकर 28 तक एग्जाम कंडक्ट होगा, 26, 27 और 28 को। तो यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट का था, यहाँ पे देख सकते हैं OCTT था यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का था, माइनिंग फॉरमैन का था, सर्वेयर का था, माइनिंग मेट का था, फायर ऑपरेटर का था, उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का था गाइज, उसके बाद यहाँ पे IT वालों के लिए था अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन फिटर और मशीनिस्ट। तो एडमिट कार्ड भी आ गया है, आप सभी तैयारी में जुट जाइए, आप लोग का एग्जाम होने वाला है और आप सभी के लिए ये एक था अच्छी अपडेट। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किए कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।